हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट समझा देती हूँ। तो देखो, इसका जो सीना है वो हमें 35 इंच सिलकर तैयार करना है और इसकी जो पेटी है वो 30 इंच की रखनी है और बाजू की लंबाई है वो 4 इंच की करनी है और बाजू की मोहरी वो 11 इंच की रखनी है। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है, इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करके आपको बताएंगे। तो देखो, अस्तर को इस तरह से खोलना है और खोल के इसको डबल फोल्ड करना है। एक साइड से कपड़ा छोड़ना है हमारी आस्तीन निकालने के लिए। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके कपड़े का नाप करना है कि हमारा कपड़ा कितना फोल्ड हुआ है। तो देखो, यहाँ पे मैंने 11 इंच कपड़ा फोल्ड किया है। ये 35 इंच का ब्लाउज है तो मैंने ये मार्जिन के लिए इसमें 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। देखो, सभी जगह से ये कपड़ा है, पूरा 11-11 इंच है। तो इसको यहाँ से कपड़े को मैं काट रही हूँ। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम आस्तीन निकालेंगे। कपड़े को इस तरह से रख के फिर आपको ब्लाउज की लंबाई कितनी है उसका नाप करना है। नीचे कपड़े को सिलाई करने के लिए 1 इंच कपड़ा मैं इसमें मार्जिन के लिए नीचे की साइड में छोड़ रही हूँ। ये पार्ट हम पीछे का पार्ट निकाल रहे हैं। फिर इसकी लंबाई का नाप करना है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच करनी है। तो देखो, यहाँ पे मैं 14.5 का निशान लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए मैं छोड़ रही हूँ। तो ये 14.5 पर मैंने निशान लगा दिया है। फिर हमारा ये जो ऊपर का कपड़ा है इसको इस तरह से इसके ऊपर लाना है। हमने ये जो निशान लगाया है उसी निशान से कपड़े को फोल्ड करना है। अब इसमें जो हमारे फ्रंट वाले पर्दे हैं उसका निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे गले का निशान मैं लगा रही हूँ। गले का निशान लगा रही हूँ 2 इंच पर, गले की चौड़ाई, और गले की लंबाई का निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और नीचे की साइड से गले की चौड़ाई हम थोड़ी ज्यादा रखते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान गले की चौड़ाई के लिए लगा रही हूँ। और इस तरह से गले में गोलाई मैंने यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसके शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर। और आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब इस निशान पर भी इस तरह से मैं गोलाई कर रही हूँ। और इसका सीना है वो 35 इंच है तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ये मार्जिन के लिए मैंने छोड़ा है। और इसके बेल्ट का निशान मैं 12.5 इंच पर लगा रही हूँ और गले की साइड से 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। तो बेल्ट के निशान को फिर इस तरह से तिरछा करना है। और ये जो हमारे फ्रंट वाले पर्दे हैं इसको थोड़े बैक वाले पर्दे से ज्यादा कट करना है। ये बैक वाला पार्ट है ये छोटा है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा बड़ा यहाँ से इसमें काट रही हूँ। इसका निशान मैंने लगा दिया है, इसी निशान से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों पार्ट हैं, ये कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको अलग कर रही हूँ और बैक वाला पार्ट है उसको अलग कर रही हूँ। तो देखिए, जो फ्रंट वाले पर्दे हैं उसमें आर्म होल को थोड़ा ज्यादा कट करना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करनी है आपको, गोलाई को थोड़ा ज्यादा करना है। जो
जो बैक वाला पार्ट है उसके आर्म होल को नहीं काटना है, और बैक वाले गले की लंबाई है उसको मैं बढ़ा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं गले की लंबाई है वो 10 इंच कर रही हूँ। ये बैक वाले पार्ट में मैंने गले को बढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसमें प्लेट्स के निशान लगा के आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट में प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ। तो एक साइड से आपको इस तरह से नाप करना है और यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाना है और इस साइड भी 7 इंच का निशान लगाना है। और प्लेट्स की लंबाई आप 4 की 5 की अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। और हम सिलाई करते समय इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। नीचे की साइड से कपड़े का दबाव है वो थोड़ा ज्यादा रखेंगे और ऊपर की साइड से एकदम कम रखेंगे। ये बैक वाले पार्ट में मैंने प्लेट्स के निशान लगा दिए हैं। अब इसी तरह से मैं आपको फ्रंट वाले पर्दे में निशान लगा के दिखाऊंगी। पहले आपको पर्दे को यहाँ से अलग अलग करना है दोनों पर्दों को, फिर पर्दों को खोल के इस तरह से बराबर रख के इनमें दोनों पर्दों में प्लेट्स के निशान लगाने हैं। तो हमारी जो गले वाली साइड है उस साइड से इंच टेप को रखना है और इस तरह से यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाना है और दूसरे पर्दे में भी इसी तरह से निशान लगाना है। फिर प्लेट्स की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई मैं 10.5 इंच पर लंबाई का निशान लगा रही हूँ। जो 10.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और दोनों साइड में यहीं से हम निशान करेंगे। तो आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है और दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाना है और फिर इंची टेप को इस तरह से तिरछा करके रखना है और इधर भी 2 इंच का निशान लगाना है और फिर इस तरह से आपको प्लेट्स को मिलाना है। और दोनों पर्दों में आपको इसी तरह से प्लेट्स का निशान लगाना है। इस तरह से मैंने ये जो एक पर्दे में लगा दिया है। तो ये मैंने दोनों पर्दों में प्लेट के निशान लगा दिए हैं। आप इसी तरह से दोनों पर्दों में प्लेट के निशान लगा लें। फिर उसके बाद हम इसकी आस्तीन की कटिंग करते हैं। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है जिससे कि हमारी दोनों आस्तीनें एक साथ निकल सकें। फिर इस आस्तीन का निशान लगाना है। तो सिलाई के लिए मैं आस्तीन में 1 इंच कपड़ा है जो नीचे की साइड में छोड़ रही हूँ और आस्तीन की लंबाई है वो 4 इंच है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और नीचे की साइड से 17 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ। अगर आप आस्तीन की कटिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से निशान को तिरछा करते हुए इधर की साइड में लाना है और इसी निशान की तरह आपको कटिंग करनी है। कटिंग करते समय आप ध्यान रखें कि हमारी जो बाजू होती है उसकी एक साइड को तो हम ज्यादा कट करते हैं और एक साइड को कम कट करते हैं। तो दोनों बाजुओं में जो कम कटा हुआ है उसको हम फ्रंट वाले पर्दे में जॉइंट करते हैं और जो ज्यादा कटा हुआ है उसको हम बैक वाले पर्दे में जॉइंट करते हैं। तो देखो बाजू कुछ इस तरह से कट के आपकी तैयार होगी। तो देखो ये मेरी बाजू भी मैंने काट दी है और ये जो ब्लाउज का अस्तर है वो कट के तैयार हो गया है। ये अस्तर की कटिंग तो मैंने कर दी है। अब इसी की तरह मैं आपको जो
ब्लाउज का कपड़ा है उसकी भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो आपको कपड़े को इस तरह से खोलना है और खोल के जो सीधी वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है और उल्टी साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है। और सबसे पहले हम जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को हम रखेंगे इस तरह से, जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को नीचे की साइड में रखेंगे इस तरह से अस्तर को जमा के, और इसी तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। आपको अस्तर के कपड़े से इस तरह से आपको ब्लाउज के कपड़े की कटिंग करनी है, और ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर कट नहीं करना है। ब्लाउज के कपड़े को थोड़ा थोड़ा बड़ा रखना है सभी जगह से, जैसे कि मैंने रखा है। देखो अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट वाले दोनों पर्दों की। बैक वाले पर्दे की कटिंग की तो हमारा ये कपड़ा सीधी साइड से ऊपर की तरफ था, और अब हम इस कपड़े को सीधी साइड है कपड़े की, उसको हम नीचे की साइड में इस तरह से कपड़े को पलट देंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। मैंने जो इसमें प्लेट के निशान लगाए हैं उनको ऊपर की तरफ रखना है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको दोनों फ्रंट वाले पर्दों को जमाना है और इसी तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। जो हमारा बेल्ट है वहां से नीचे की तरफ से, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है वो नीचे की तरफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आधा या एक इंची, जिससे कि हम तुरपाई में कपड़े को फोल्ड कर सकें। यहाँ भी आपको बैक वाले पार्ट की तरह इन दोनों पर्दों की भी कटिंग करनी है। कपड़े को एकदम बराबर कट नहीं करना है, थोड़ा जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसको थोड़ा बड़ा रखना है नीचे की साइड से। इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। अब हमारी आस्तीन बची है, आस्तीन की कटिंग भी हम इसी की तरह कर लेंगे। अब कपड़े को इस तरह से सीधा करना है, और कपड़े को सीधा करके सीधी साइड से ही आस्तीन को कटिंग करना है। हमारी ये जो लेस लगी हुई है इस लेस को हम सबसे पहले तो हटा देंगे। सिलाई करते समय लेस को हम दोनों आस्तीन में ज्वाइंट कर देंगे बराबर बराबर। आस्तीन की कटिंग आपको करनी कैसी है आप वो समझ लें। तो देखो दोनों आस्तीन को इस तरह से जमाना है, जहां भी आपका कपड़ा आस्तीन निकालने के लायक है वहां भी दोनों आस्तीन को जमा के इस तरह से कटिंग करना है। आस्तीन को भी ऐसे ही काटना है, कपड़े को थोड़ा बड़ा रखना है सभी जगह से, और जो सामने वाली जगह है उसको एकदम बराबर काटना है। तो देखिए कटिंग करके आप इस तरह से दोनों आस्तीनों को रख के देखें, और तब आपको पता चलेगा कि आपकी आस्तीन एकदम सही कटी है या नहीं। तो देखो ये जो छोटी वाली साइड है ये दोनों आस्तीन में ऊपर की तरफ है, और जो बड़ी वाली साइड है ये दोनों आस्तीन में नीचे की साइड में है। तो देखिए ये मेरा अस्तर और जो ब्लाउज का कपड़ा है ये दोनों कट के तैयार हो गए हैं।